बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ उस्मान हुसैन सिद्दीकी। जो आज का जो हमारा टॉपिक है आज यूट्यूब वीडियो का, वो है कि टॉप बेस्ट 5 लैंग्वेज 2021 की कौन कौन सी है। टॉपिक एक्सप्लेन करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। व्यूअर्स, जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आज का जिस ट्रेंड है, मोस्टली जो यूज़र्स हैं वो आजकल ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो और यूज़र फ्रेंडली हो। तो आजकल जो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिकली पर्पज़ यही है कि अपने स्किल्स को डेवलप करना, उसके थ्रू आप नई नई सी नई एप्लीकेशन और वेबसाइट्स बिल्ड करना और मोस्ट ज़्यादा डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करना। इसी सूरत में मोस्ट एक PVPL एक इंडेक्स है जो हर साल और हर महीने प्रोग्रामिंग की एक प्रोग्रामिंग जो रेटिंग्स हैं वो रिलीज़ करता है। बेसिकली पर्पस ये होता है कि मंथ बाय मंथ ये शो करता है ताकि हर यूज़र्स जो भी डेवलपर्स हैं, हर यूज़र्स जो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा आइडिया हो सके कि इस वक्त कौन सी लैंग्वेज किस ट्रेंड पर है। तो इसी लिहाज से जो हमारी जो टॉप 5 में सबसे पहले जो 5 पे जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है वो है कोटलिन। कोटलिन एडवांस वर्जन है एंड्रॉयड स्टूडियो का। इसमें एक जावा लैंग्वेज ऑलरेडी यूज़ हो रही है, लेकिन इसका जो कोटलिन है एंड्रॉयड स्टूडियो में वो इसका एडवांस वर्जन है। बेसिकली कोटलिन आपको सीखने में इतनी मुश्किल नहीं होगी अगर आपको जावा आती है एंड्रॉयड में। इसके अलावा जो नंबर 4 पर जो हमारे पास जो इसके बाद जो हमारी ट्रेंडिंग पर जो लैंग्वेज है वो है सी शार्प से मुराद है कि आप कोई भी एप्लीकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो वेबसाइट्स की हो, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे नेटकोर हो। इसमें ये विजुअल स्टूडियो पर आपको आसानी से सी शार्प आसानी से मिल जाएगी। ये आजकल हमारी नंबर 4 पर आती है। व्यूअर्स, आपको मैं बताता चलूँ, ये जो मैं आपको इंडेक्स की जो रेटिंग्स मैं बता रहा हूँ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है वो अगस्त 2021 की जो रिसेंटली है, अगर आप गूगल पर भी सर्च करें तो आपको ये आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा जो नंबर 3 पर जो लैंग्वेज इस पर टॉप 10 कर रही है वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट भी आप बेसिकली आप बहुत ज़्यादा इस नाम सुना ही होगा। ये बेसिकली यूज़ होती है वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए। बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर है पाकिस्तान में भी और ऑल द वर्ल्ड में भी, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन सी है और ज़्यादा फेमस भी है। इसके अलावा जो नंबर 2 पर जो आ रही है वो एंड्रॉयड स्टूडियो की एक लैंग्वेज है जावा। जावा जिस तरह कोटलिन मैंने आपको बताया था, जावा इसका जो पहले जो वर्जन था वो जावा में यूज़ होता है और अब जो दूसरा साथ कोटलिन भी एंड्रॉयड स्टूडियो में यूज़ होता है। जावा बेसिकली बहुत ज़्यादा आप प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ होता है। जिस तरह मैं खुद एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए जावा यूज़ कर रहा हूँ, तो आजकल वक्त के गुजरने के साथ साथ नई लैंग्वेजेस आ गई, लेकिन इसके बावजूद भी ये जावा ने अपनी जो पहचान है वो बनाई हुई है। अपनी जो मार्केटिंग है उसकी अभी तक हाई है इस लेवल पर भी। बेसिकली आप बहुत ज़्यादा जावा में यूज़ करते होंगे, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में यूज़ करते होंगे, जो वेब ब्राउज़र में यूज़ बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जो यूज़ होती हैं, प्ले स्टोर में यूज़ होती हैं, वो बेसिकली जावा के लिए जावा में ही वो डेवलप हुई होती हैं। लेकिन अब जो कोटलिन है, कोटलिन इसका जो एडवांस वर्जन है जिसे मैंने अभी अर्ली में बताया मैंने, इसी तरह जो हमारे पास जावा है वो बेसिकली यूज़ होती है मोस्ट ज़्यादा एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए, सब एंड्रॉयड एप्लीकेशन और मोस्ट ज़्यादा गेम्स डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ किए जाते हैं और स्कैनर्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जो नंबर 1 पर जो टॉप 10 करी है वो बेसिकली अगस्त में है वो है पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज सबसे ज़्यादा जो अब क्या जाते हैं वो एडवांस यानी जो मिनिमम जो बंदा प्रोग्रामिंग की फील्ड में कैरियर्स पर अपना जो अपना नेम डेवलप करना चाह रहा है तो सबसे पहले वो पाइथन पे ही जाता है। पाइथन के नंबर 1 में आने का बेसिकली मकसद वजह यही है कि
ये बिल्कुल एडवांस भी है आजकल, वक्त के साथ साथ इससे इम्प्रूव भी कर रहे हैं, और साथ साथ ये है कि ये यूज़र फ्रेंडली भी लैंग्वेज है। इसमें किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिस तरह आप सी शार्प जावा में देखते होंगे, मुझसे सी शार्प में, सी प्लस प्लस में भी, कि ब्रैकेट्स आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है, रूल्स होते हैं, लेकिन इसमें पाइथन में है ये ऐसा रूल्स इसमें नहीं है, इसमें यूज़र फ्रेंडली है। इसमें यह है कि आप लाइब्रेरी भी, इसको आपको पहले पोर्ट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मैंने 3 साल इस पर काम किया हुआ, तकरीबन 2 साल मैंने इस पर काम किया हुआ पाइथन पर, तो इसमें ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ रहा है, मेरी जो भी यूज़र प्रोग्रामिंग पहली बार पढ़ा है, मैं सबसे पहले उसको सजेस्ट यही करूँगा वो पाइथन पर सबसे पहले अपने स्किल्स को इम्प्लीमेंट करें। इसकी बेसिक वजह है कि ये सबसे पहले बेसिक, इसमें यूज़र फ्रेंडली और यूज़र को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। उम्मीद है आज का ये लेक्चर हमारा आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इंफॉर्मेशन और फीडबैक के लिए मेरा चैनल देखते रहो स्मार्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।